दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को पूरा शेयर कर देना, इतना शेयर करना कि यह वीडियो कंपनी के ओनर सर हबीब सर तक पहुंच जाए, अब्बास सर तक पहुंच जाए और उन लीडर तक भी पहुंच जाए जिन्होंने कॉर्बेट कॉन के अंदर पैसा तो बहुत कमाया लेकिन अपनी टीम वालों को डुबो दिया। जी हाँ, कुछ हद तक वो भी जिम्मेदार है। वो क्यों है उसका भी मैं आपको बताऊंगा। हबीब सर, सबसे पहले मैं आपको आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जब आपने कॉर्बेट कॉन की शुरुआत की थी तो क्या ये सोचकर की थी कि 3 महीने के अंदर अंदर सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों को मारना है, या फिर ये सोचकर की थी कि कुछ चुनिंदा लीडरों की वजह से आप यहाँ से भाग जाएंगे? सर ये डिपेंड आपके ऊपर करता है, लेकिन ये सवाल पूरी पब्लिक का है। पूरी पब्लिक आपसे जानना चाहती है कि आपका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लीडर लोगों का भी कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन गरीब लोग यहाँ पर मारा गया, गरीब लोग यहाँ पर परेशान हो गया, वो बर्बाद हो गया। हबीब सर, आपका दिल बहुत अच्छा है। आप जब भी मीटिंग के अंदर आते थे, जब भी आप सेमिनार को अटेंड करते थे, एक पॉजिटिविटी हमें मिलती थी और एक उम्मीद हमारे अंदर पैदा होती थी कि शायद आपके साथ लॉन्ग टाइम तक हम जुड़े रहेंगे और यहाँ से एक बहुत ही अच्छी इनकम क्रिएट कर सकेंगे। लेकिन उसका रिजल्ट तो कुछ और ही निकला। और कुछ कमियाँ लीडर लोगों की भी है, वो कैसे है वो मैं बता दूंगा। सर आज सिचुएशन कुछ भी हो, आज भी आम इंसान आपके साथ है। डेली हमारे पास फ़ोन आते हैं, किसी को तो अभी तक ये भी नहीं पता कि कॉर्बेट कॉन में ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। अभी भी वो डायरेक्ट कॉल करते हैं कि सर मुझे कॉर्बेट कॉन को ज्वाइन करना है। तो सर आप यहीं से आइडिया लगा सकते हो कि पब्लिक अभी भी इस कॉन के साथ है, लेकिन आपको थोड़ी हिम्मत दिखानी होगी। कुछ चुनिंदा लीडरों की वजह से डरकर मत भाजो सर, क्योंकि पब्लिक से बड़ी पावर किसी के पास नहीं है। लीडर लोग तो इन्हीं पब्लिक में से निकलेंगे अगर आप चाहो। सर सभी अभी भी आपका इंतज़ार करने के लिए तैयार है, लेकिन उस सिचुएशन पे किसी को लाकर मत खड़ा करो कि लोगों के मुंह से सिर्फ गालियां ही निकले, बद्दुआ ही निकले। हम सभी का विश्वास आपके ऊपर है और हम सब आपके लौटने का भी इंतज़ार कर रहे हैं, इसी उम्मीद से कि कॉर्बेट कॉन दोबारा से खड़ा होगा और अपनी उसी रफ्तार के साथ दोबारा से मार्केट में तहलका मचाएगा जो आज से 2 महीने पहले तहलका मचा दिया था। सर हम सब आपके साथ हैं, आप किसी भी तरह वापस आओ और सिस्टम को आप खड़ा कीजिए। रही डिविडेंड की बात, रह गई बात डिविडेंड की, तो सर लोग यहाँ तक भी सब्र करने के लिए तैयार हैं कि जो डिविडेंड है उसको आप कम से कम परसेंटेज में विड्रॉ लगाने के लिए आप बना सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए किसी का डिविडेंड 1000 रुपये बनता है, तो सर उसका 5% ऐसा कर दो कि वो 15 दिन में निकाल सके या 10% महीने का निकाल सके। इससे कंपनी की ग्रोथ के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और आम इंसान को भी लगेगा कि उसका पैसा निकल रहा है और धीरे धीरे इसी सिचुएशन में दोबारा से जोनिंग आने भी चालू हो जाएगी। सर मैं मानता हूँ कि कंपनी की कुछ कमियों की वजह से कंपनी नीचे गिरी, लेकिन उससे कुछ सीख भी मिलती है। सीख क्या मिलते कि आप प्लान में चेंजेस करो। जितना डिविडेंड आप लोगों को दे रहे थे उस हिसाब से तो वैसे भी लग रहा था कि कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, क्योंकि इतना डिविडेंड फ्यूचर में आज तक किसी कंपनी ने दिया ही नहीं और शायद इसी की वजह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा क्राउड आ गई थी। तो सर आप डिविडेंड को के प्लान को आप चेंज कर सकते हो और जो डिविडेंड विड्रॉ का रहेगा उसको भी आप थोड़ा चेंज करके पब्लिक को दे सकते हो। पब्लिक पैसा लेने के लिए इंतजार कर सकती है और दोबारा से ज्वाइनिंग भी आएगी। अब आते हैं लीडर लोगों के ऊपर। सर लीडर लोगों से मेरी यही एक निवेदन है कि सर आप लोग भी बहुत अच्छा कर रहे हो कंप्लेन करके, क्योंकि कंप्लेन तो आप लोग कर ही रहे हो, आप लोगों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप लोगों ने तो यहाँ से करोड़ रुपये छाप लिया है, सबको पता है सर जितने भी आप लीडर लोग हैं आप सबने बहुत बढ़िया पैसा यहाँ से कमाया, जनरेट करा है, लेकिन आप लोगों के कंप्लेन करने से आम इंसान परेशान है। आपने जितनी भी कंप्लेन करी है उसका फर्क पड़ेगा पब्लिक के ऊपर, जो कॉर्बेट के अंदर पैसा लगा चुके हैं, जिसको यही नहीं पता कि इसकी कंप्लेन होती कैसे है और ना ही वो इस
इस ऑप्शन को उठाने के लिए तैयार है। जहाँ तक मुझे पता है 90% लोग ऐसे हैं जो अभी भी कोविड के गैर खिलाफ नहीं है, वो अभी भी कोविड के साथ जाने को तैयार है। लेकिन आप लोगों को, आप लीडर लोगों को भी तो अपना हाथ साफ रखना है। ये सच्चाई बात है सर, बुरा मत मानिए, क्योंकि हम सभी का पैसा लगा हुआ है। आप लोगों को कोरबिट के ओनर हबीब सर को हिम्मत देनी चाहिए थी, आप लोगों को बोलना चाहिए था कि सर हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, आप दोबारा से सिस्टम को चालू करो। शायद आपके इस फैसले से आम लोगों का पैसा अभी तक वापस आना चालू हो जाता, लेकिन इसका फर्क आपकी इनकम पर पड़ेगा। इसकी वजह से आप लोग कुछ दूसरा ही स्टेप उठा रहे हो सर। या तो आप लोग पब्लिक का पैसा दे दो, या फिर सिस्टम को खड़ा कराने में आम लोगों के साथ मदद करो, क्योंकि पैसा सबसे ज़्यादा पब्लिक का लगा है, गरीब लोगों का लगा है। ऐसे ऐसे आदमी ने ज्वाइनिंग करा है जिन्होंने बेचारों ने कर्जा उठाकर, लोन लेकर, मकान गिरवी रख रख कर कोविड में पैसा लगाया है, इस उम्मीद से कि वो यहाँ से पैसा कमा जाएंगे, लेकिन सिचुएशन ही कुछ और निकली। तो लीडर लोगों, सर आप लोगों से हम तो सिर्फ यही कामना करते हैं कि कोरबिट में जो भी पैसा लगा है, आप कोरबिट को प्लान को दोबारा से चालू करने की कोशिश कीजिए। हबीब सर से कनेक्टिविटी बनाइए, क्योंकि कुछ गलतियां हो जाती है, कुछ कंपनी की गलतियां हैं तो कुछ आप लीडर लोगों की गलतियां हैं, और सुधार भी हम लोगों को ही करना पड़ेगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि सर हम, मेरा भी पैसा लगा है, पब्लिक का भी पैसा लगा है, और हम चाहते हैं कि दोबारा से कंपनी के साथ खड़े हो, दोबारा से कंपनी स्टैंड करे, दोबारा से कंपनी रनिंग करे। तो सर आप सभी को साथ देना होगा। हबीब सर मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई लीडर आपके साथ नहीं खड़ा होना चाहता, लीडर लोग आपके साथ नहीं जाना चाहते, तो सर पब्लिक बहुत है, इन्हीं पब्लिक के बीच से लीडर निकलेंगे। सर आप अपनी कंपनी को दोबारा से स्टैंड कीजिए। हम मानते हैं कि कोविड कौन नंबर वन कंसेप्ट है, लेकिन सर इसको प्रूफ कीजिए ताकि लोगों का विश्वास ना टूटे और वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सके। तो सर मेरे सिर में इतना ही कहना चाहूँगा, हर इंसान परेशान है, गरीब लोगों की बद्दुआ मत लीजिए, गरीब लोगों की गालियाँ मत लीजिए, क्योंकि ये इंसान को कहीं से कहीं भी पहुँचा सकती है, और ज़मीन से आसमान पर और आसमान से ज़मीन पर भी ला सकते हैं। सर कोशिश कीजिए सर, किसी भी गरीब आदमी का पैसा ना मरे, उसको बेनिफिट बेशक ना मिलो, लेकिन उसका प्रिंसिपल वापस आना चाहिए। ये तरकीब आप ही निकाल सकते हैं, क्योंकि कोरबिट को लॉन्च करने का दिमाग भी आप ही के अंदर था, इसको चलाने का दिमाग भी आप ही के अंदर था, यहाँ तक कि UPI सुविधा जो आज तक किसी क्रिप्टो में नहीं आई सर, वो जब आपने यहाँ पर ला के खड़ी कर दी, तो सर सिस्टम को दोबारा से उठाना आपके लिए मुश्किल काम नहीं है। हमारी यही विशेष है सर कि कोरबिट दोबारा से एक रनिंग की रफ्तार पकड़े, हम इंतज़ार कर रहे हैं, पूरी पब्लिक इंतज़ार करने के लिए तैयार है सर। हम, मेरे पास डेली फ़ोन आते हैं कि सर हम अभी एक महीना भी इंतज़ार कर सकते हैं अगर कोरबिट कौन दोबारा से चालू होता है। यहाँ तक कि लोग आइडिया भी लगवाने के लिए चालू है, आइडिया लगवाने के लिए तैयार है सर, अभी भी आइडिया लोग लगाने के लिए रेडी बैठे हैं यहाँ पर कि अगर कोरबिट कौन दोबारा से शुरुआत होता है। तो सर प्लीज़ ज़्यादा लेट मत करो, क्योंकि जितना लेट होता जाएगा लोगों के अंदर टेंशन बढ़ती जाएगी। डेली फ़ोन आते हैं हमारे पास कि हमारा पैसा रिटर्न करो, हम केस कर देंगे, ये कर देंगे। सर लोग अपनी जगह बिल्कुल सेफ है, लेकिन उनको भी समझना चाहिए क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का मतलब ये नहीं कि क्रिप्टो करेंसी आएगी और पैसा लेके भाग जाएगी। सर थोड़ा लॉन्ग विजन के साथ आप आओ, हम आपके साथ हैं सर, पूरी सपोर्ट के साथ आपके साथ रहेंगे। जो लीडर आपके साथ नहीं आता सर, आप उनको रहने दीजिए, लेकिन आप अपना स्टार्टअप लीजिए। दोस्तों वीडियो थोड़ा शेयर करना, कुछ बातें जो मेरे दिल में थी वो मैंने वीडियो के अंदर बताई। अगर आप लोगों को थोड़ा, आप लोग चाहते हो कि इसके अंदर दोबारा से शुरुआत हो, या कोरबिट कौन के अंदर आप लोग फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो हबीब सर को हमें हिम्मत देनी पड़ेगी। हबीब सर एक बहुत अच्छे दिल के इंसान हैं, और उनकी फीलिंग को हमने अच्छे से महसूस भी किया है, और हमें उम्मीद भी है कि हबीब सर वापस आएंगे, कोरबिट कौन दोबारा से शुरुआत होगा, जेंटेक्स दोबारा से शुरुआत होगा, एक रनिंग रफ्तार पकड़ेगा, क्योंकि वेबसाइट चालू है, सब कुछ चालू है, सिर्फ इंतज़ार है तो कि ये रनिंग में आ क्यों नहीं रहा है।
तो हम सभी को साथ देना होगा, हम सभी को इंतज़ार भी करना होगा, और कमेंट में भी आप बताइए किसकी क्या राय है, ताकि जिसके पास भी ये वीडियो जाए उसको भी आंसर का पता चलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।